दोस्तों, बिग बॉस 17 में आजकल जो हो रहा है वो बिग बॉस ने खुद किया है। बिग बॉस हर रोज़ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि जो कंटेंट दे रहे थे उसको निकाल दिया। खानजादी हो गया, अनुराग भी था, लेकिन अनुराग कम था। लेकिन अनुराग बता रहे हैं कि मैं ज़्यादा दे रहा था, उन्होंने दिखाया नहीं, अब उसमें मेरी गलती नहीं है। तो दोस्तों, बात करेंगे ईशा मालविया की, कि ये किस तरह की चालाक लुमड़ी है, एक चालाक लड़की है, दो लोगों को लड़वा रहा है। अभी मैंने एक प्रोमो देखा, प्रोमो में क्या देखा कि ये समर्थ के साथ लड़ रही है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने अभिषेक को रुलाया। तो ईशा मैडम जी, ये अभिषेक से क्यों लड़ रहा था? अभिषेक तो उसके साथ नहीं लड़ रहा था, अभिषेक तो आपके साथ लड़ रहा था। ये तो आपको डिफेंड करने के लिए आ रहा था, अगर ये ना आ रहा होता तो वो आपको मार चुका होता, जैसे आप अकॉर्डिंग टू यू, जैसे वो आप कहते हैं कि मुझे बाहर मारता था। तो जब वो बाहर आपको मारता था, तो और जब यहाँ पे समर्थ ने उसको रुलाया, तो उस पर तो आपका फख्र होना चाहिए, इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि मेरा ये बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, में इतना हिम्मत है, ना मुझे मारता है और जो मुझे मारता है उसको रुलाता है। हमें भी बहुत सी लड़कियाँ ये बोलते हैं कि हमें ऐसे बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन अब ये समझ आ रहा है मुझे, जितना मैं समझ गया हूँ ना, ये कंटेंट के लिए कर रही है। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो गेम है कि मैं कैसे टॉप फाइव में पहुंच जाऊं, कैसे मैं टॉप फाइव में पहुंच जाऊं। दो लोगों को लड़वा रही है ईशा मालविया, मालविया को एक्सपोज कर रहा हूं या पे भी एक्सपोज कर रहा हूं। दो मिनट बाद वो अभिषेक को बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फिर 5 मिनट बाद वो समर्थ को बोलते हैं कि अभिषेक ने मेरे साथ ये किया था, फ्यूचर में ये हुआ था, फिर अंकिता के पास जले चली जाती, मेरे पास ही हुआ था, फिर मनोहर के पास, फिर दोबारा जब अभिषेक से झगड़ा होता है, समर्थ बीच में कूदता है, स्टैंड लेता है ईशा मालविया के लिए, इस लुमड़ी के लिए, तो तब इसे अभिषेक अच्छा लगता है कि आपने अभिषेक को क्यों रुलाया। अभी मैंने प्रोमो देखा ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो बनाऊँगा जनता के सामने ये रखूँगा कि ये क्या, इन लोगों ने क्या रखा है। एक तो बिग बॉस का क्या हाल हो रहा है, बिग बॉस में अब कोई है ही नहीं लड़ने वाला। अब ये दो लोग हैं, समर्थ और अभिषेक, और यही बिग बॉस दिन रात विक्की भैया को बुलाते थे, विक्की भैया, ये विक्की भैया को जलील करता था। आज वही बिग बॉस विक्की भैया से मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं कि ये मुझसे बातें करे। तो उस वक्त आपने विक्की को जलील कर दिया, लेकिन आपको आज पता चला कि विक्की रिश्ते क्यों बनाते थे। आज अगर देखा जाए, सब उसके दोस्त हैं, सब वो उसके विकी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ईशा, समर्थ, अंकिता, अभिषेक भी घूमते हैं। आप लोगों ने देखा है, समर्थ के साथ झगड़ा हुआ तो वो तुरंत विकी भैया के पास आया कि ये हुआ, ये मेरे लिए ये बोलो, मेरे लिए ये बोलो। अरुण हो गया, समर्थ हो गया, ईशा हो गया, ये जितने भी लोग बाकी रह गए हैं, इसमें से कोई नहीं है कि ये विकी के खिलाफ बोले, क्योंकि विकी ने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया है जैसे बिग बॉस उसको बोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे शो में अब तक, अब इस सिचुएशन पे मैं बोल रहा हूँ कि विक्की भैया का राज है। विक्की भैया का राज इसलिए है क्योंकि हर जगह विक्की नज़र आते हैं, दो लोग लड़ते सिर्फ विक्की के पास चले जाते हैं, विक्की ये करो, विक्की भैया, विक्की भैया, दो लोग लड़ रहे हैं, एक भी बोलते हैं विक्की भैया इसके साथ मैंने ये किया था, दूसरा बोलते हैं विक्की भैया मैंने ये आपके साथ इसके साथ ये किया था। तो बस साफ यही बोलता हूँ, जब ऊपर वाला आपके साथ है ना, इस विक्की भैया को बिग बॉस ने कितना जलील किया, और आज वही विक्की भैया सबको बोल रहे कि मुझे कैप्टन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है जब मैं बोलूँगा मुझे मिल सकते हैं। इन्होंने इतने रिश्ते बनाए, इतने दमदार रिश्ते बनाए, इन्होंने इतना अच्छा गेम किया। मैं इस सीज़न का प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो मैं विक्की भैया को कहना चाहता हूँ कि इस सीज़न में अगर सबसे अच्छा प्लेयर हुआ है अभी तक ये हम देख रहे हैं तो वो विक्की भैया है सबसे अच्छा प्लेयर इस टाइम पे, विक्की भैया है इस टाइम पे, नहीं बस सारे सीज़न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई उसके इर्द गिर्द अब घूमने लगा है, क्योंकि उसको पता है कि ये बॉस है, ये पंचायत लगाएगा और इसके साथ कोई लड़ेगा नहीं, यही अभिषेक, यही समर्थ उसको गुचू गुचू बोल रहा था। आज वही समर्थ उसके पीछे घूमते हैं कि विक्की भैया मेरे साथ तो ये हो गया, विक्की भैया ये हो गया। अब विक्की भैया बोलते हैं कि भैया अंकिता को कैप्टन बनाओ,
लोग कैप्टन बना देते हैं, तो भाई इसे कहते हैं बॉस, बिग बॉस।